एक समय की बात है, भोलापुर नामक गांव में एक बहुत ही बड़ा पेड़ था। गांव के लोगों का कहना था कि उस पेड़ के अंदर चुड़ैल का बेटा रहता है, इसीलिए लोग उस पेड़ के पास जाने से भी कतराते थे। उसी गांव में सरजू और उसकी पत्नी रहते थे। वो सारा दिन खेत पर मेहनत मजदूरी कर अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, बसंती मैं सारा दिन खेत पर काम करता हूँ, फिर भी मुझे उतने पैसे नहीं मिलते कि घर का गुजारा सही से हो सके। मैं भी सोच रही थी कि घर पर कुछ न कुछ काम कर लिया करूँ। तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कुछ न कुछ और काम करूँगा, तुम परेशान ना हो। रात भी बहुत हो गई है, खाना भी बनाना है, मैं जाकर आपके लिए अभी खाना बना कर लाती हूँ। ठीक है, जल्दी से खाना बना कर ले आओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है। इतना कहकर बसंती खाना बनाने चली जाती है। जब खाना बनकर तैयार हो जाता है तो वो सरजू को खाने के लिए बुलाती है। खाना तैयार है, आकर खाना खा लो। लाओ जल्दी खाना लाओ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, आज तो लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया। अब मुझे तो अब नींद आ रही है, अब मैं तो चला सोने, कल काम पर भी जाना है। सरजू और बसंती खाना खाकर सो जाते हैं और अगली सुबह सरजू बसंती से कहता है, बसंती मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुझे चाय नाश्ता दे दो। मैंने तुम्हारे खाने के लिए रोटी रख दी है। सरजू चाय नाश्ता करके खेत पर निकल जाता है और वो खेत पर काम करने लगता है। आज उसका बिल्कुल काम करने में मन नहीं लग रहा था, वो सोच रहा था, ऐसे कब तक चलेगा, खेत पर काम करके भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। सारा दिन आज सरजू खेत पर परेशान रहता है, उसे समय का पता ही नहीं चलता कि कब शाम हो गई। आज तो समय पता ही नहीं चला, शाम भी हो गई, अब मुझे घर चलना चाहिए। सरजू खेत पर से अपने घर जाने लगता है तो परेशान होने की वजह से उसे ध्यान ही नहीं रहता कि वो उसी रास्ते से जा रहा है जहाँ भूतिया पेड़ है जिसमें एक भूत रहता है। तभी उसे एकदम ध्यान आता है कि वो तो उसी पेड़ के पास आ गया जिसमें भूत रहता है। अब क्या होगा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि कब मैं इस पेड़ के पास आ गया। तभी पेड़ में से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ। कौन बोल रहा है? तभी पेड़ में से फिर आवाज आती है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, सोच क्या रहे हो, आ जाओ, मैं तुम्हें इतना माला माल कर दूंगा कि तुम्हारी सात पुश्तें आराम से बैठकर खाएंगी। सरजू पेड़ की बात सुनकर सोचने लगता है, यह भूत मुझे माला माल कर देगा, फिर हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। सरजू डरते डरते पेड़ के पास जाता है और देखता है कि पेड़ के अंदर जाने का रास्ता बना हुआ है। सरजू उस पेड़ की खो में उतर जाता है तो देखता है पेड़ के अंदर भूत है और भूत के पास बहुत सारा सोना पड़ा है। इतना सारा सोना? तुम्हें ये सोना मिल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें मुझे इस पेड़ से आजाद करना होगा, फिर तुम ये सोना लेकर जा सकते हो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम मुझे इस पेड़ से बाहर निकाल दोगे तो तुम ये सोना ले सकते हो। सरजू उस भूत को पेड़ से बाहर निकाल देता है। पेड़ से निकलते ही भूत जोरों से हंसने लगता है। उसे हंसता देख सरजू बुरी तरह डर जाता है। तभी भूत सरजू से कहता है, ले जाओ सोना, जितना चाहे ले जा सकते हो। मैं सारा सोना ले सकता हूँ? हाँ, सब ले जाओ। सरजू भूत को आजाद कर सारा सोना लेकर अपने घर की ओर चला जाता है और घर पहुंचकर वो अपनी पत्नी को सोना देता है। अरे ये इतना सारा सोना तुम कहाँ से लाए? सच सच बताओ, कहीं तुमने चोरी वोरी तो नहीं की? अरे भगवान, सांस तो ले लूं, सब बताता हूँ। फिर सरजू बसंती को पेड़ के भूत के बारे में सब बताता है। सरजू की बात सुनकर बसंती गुस्सा करती है, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता भी है कि वो भूत बड़ा ही जालिम है, वो पूरे गांव में तबाही मचा देगा, तुम्हारे लालच की वजह से पूरे गांव पर आफत आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस रानी बनने के सपने देखो रानी। मुझे नहीं बनना रानी, मुझे नहीं चाहिए सोना, तुम ही रखो अपने पास। मुझे तो नींद आ रही है, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। ये कहकर सरजू सो जाता है, पर बसंती को तो उस भूत की वजह से नींद नहीं आ रही थी जिसे सरजू ने आजाद किया है। पता नहीं अब क्या होगा, वो भूत क्या करेगा। ये सब सोचते सोचते बसंती को नींद आ जाती है। उधर भूत पूरे गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे किसी के घर के बाहर बकरियां बंधी दिखाई देती हैं। बकरियां, बड़े दिनों बाद कोई शिकार खाने के लिए मिलेगा, बड़े दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है, तो आज मैं इन बकरियों का शिकार करूंगा, इनका नरम नरम मांस खाऊंगा। फिर भूत उन बकरियों को मारकर खा जाता है। अब तो भूत के मुंह जानवरों का मांस लग चुका था, वो और जानवरों को खाने की तलाश में निकल जाता है।
थोड़ी दूर जाकर भूत को कुछ भैंसे बंधी दिखाई देती हैं। अरे वाह, मिल गया दूसरा शिकार, आज तो इन्हें खाकर चैन आ जाएगा। सालों से कुछ खाने को मिला भी नहीं, इन्हें खाकर अपनी भूख शांत करना। कोई जानवर नहीं बचेगा इस गांव में, सबको मार कर खा जाऊंगा। फिर भूत उन सभी भैंसों को भी मार कर खा जाता है। और अगली सुबह बकरियों का मालिक भोला अपनी बकरियों की हड्डियों को पड़ा देख कर रोने लगता है। अरे ससुरा, हमार बकरीन को कौन मार के खा गवा भैया? अरे हमारी बकरी, अब हमारा गुजारा कैसन हो? इसी से तो हमार रोजी रोटी चलत रही थी, अब हम कैसे जिए? तभी उसके रोने की आवाज सुनकर गांव वाले आ जाते हैं। अरे इन बकरियों को कौन मार कर खा गया भाई? पता नहीं ये किसने किया, लगता है जंगल से कोई शेर वेर आकर खा गया होगा भैया। तभी एक औरत, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, चलो सब लोग अपने अपने जानवरों का ध्यान रखना। ये कहकर गांव वाले अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। भोला की बकरियों की खबर बसंती तक पहुंचती है। अजी सुनते हो, कल रात में कोई भोला की बकरियों को खा गया। हाँ मैंने भी सुना, बड़ा दुख हुआ सुन के। हमें भी अपनी गायों का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो रात भी हो गई है, मैं एक बार गायों को देख कर आती हूँ कि वो ठीक ठाक है कि नहीं। बसंती बाहर गायों को देखने चली जाती है। गायों तो सारी ठीक है, एक बार इन्हें गिन लूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ पूरी है। बसंती अपनी गायों को देखकर और उनकी गिनती करके वापस आकर सो जाती है। बसंती के जाते ही वहाँ भूत आ जाता है और वो गायों को पकड़ लेता है। इतनी सारी गायें, सब खत्म कर दूंगा, खा जाऊंगा इन्हें मार कर, इस गांव में कोई जानवर नहीं बचेगा। तभी बसंती को उसके घर के बाहर बंधी गायों के शोर की आवाजें आने लगती हैं। आज गायें कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही हैं। अभी तो मैं गायों को देखकर आई, फिर ये शोर क्यों मचा रही हैं? सरजू बसंती को बाहर गायों को देखने के लिए कहता है। बसंती जाओ ना बाहर गायों को देखकर आओ कि सब ठीक है कि नहीं। ना बाबा ना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलो। आपको पता है ना रात में कोई आकर जानवरों को खा रहा है, अगर उसने मुझ पर हमला कर दिया तो। ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। सरजू और बसंती बाहर जाकर देखते हैं कि भूत उनकी गायों को पकड़कर खा रहा है। बसंती भूत को देखकर डर जाती है और वो डर के मारे सरजू को कसकर पकड़ लेती है। ये भूत तो हमारी गायों के साथ साथ हमें भी खा जाएगा, अब क्या होगा? तभी सरजू कहता है। अरे ये तो वही भूत है जिसे मैंने आजाद किया था, पर मुझे क्या पता था कि ये गांव के जानवरों को मार कर खा रहा है। अरे ये मैंने क्या कर दिया भैया, मेरे सोना लेने की वजह से कितने मासूम जानवरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। हम गांव के पास वाले पुजारी के पास चलते हैं, वो ही पूरे गांव वालों को इस भूत से छुटकारा दिला सकते हैं। ये ठीक रहेगा। सरजू और बसंती गांव के पुजारी के पास जाते हैं। तभी उन्हें गांव के कुछ लोग रास्ते में मिलते हैं और वो गांव के लोगों को भूत के बारे में सब बताते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं सोने के लालच में अंधा हो गया था, पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए हम पुजारी जी के पास भूत से बचने का उपाय पूछने जा रहे थे। चलो हम सब भी तुम्हारे साथ चलते हैं। फिर सभी गांव वाले सरजू और बसंती भी पुजारी के पास जाते हैं और पुजारी के पास जाकर भूत की घटना के बारे में सब बताते हैं। पुजारी जी हमें उस भूत से बचाओ, वो हमारे सभी जानवरों को मारकर खत्म कर रहा है। वो भूत बड़ा ही शक्तिशाली है, बहुत सालों पहले गांव के लोगों ने उसे और उसके जानवरों को जलाकर मार डाला था, फिर वो एक भूत बन गया तो एक तांत्रिक ने उसे पेड़ में कैद कर दिया। अब वो भूत आजाद हो गया है, इसलिए वो गांव वालों से अपनी मौत का बदला ले रहा है। पुजारी जी हम सब गांव वालों को इस भूत से छुटकारा कैसे मिलेगा? पुजारी जी अपनी मंत्र शक्ति से भूत को बुलाते हैं। कौन है, किसने मुझे याद किया, किसने अपनी मौत को दावत दी है? मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम इन गांव वालों के जानवरों को क्यों मार रहे हो? इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं इस गांव में एक भी जानवर नहीं छोड़ूंगा, सबको एक एक करके मार डालूंगा। मैं पिछड़ी बिरादरी का होने के कारण इन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को जान से मार डाला, पर क्यों? मेरे जानवर मंदिर में चले गए थे, ये बात गांव वासियों को अच्छी नहीं लगी,
उन्होंने मुझे और मेरे जानवरों को पेड़ के नीचे आग लगा कर मार डाला। तांत्रिक अपनी पूजा पाठ करके भूत को मुक्ति दिलवा देता है।